नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता अजवे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम सुहागन महिलाओं को प्रतिदिन के अपने जिंदगी में, जीवन में कौन कौन सी बातें हैं, महत्वपूर्ण गलतियां हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बातें एकदम हर महिलाएं ध्यान रखेंगी, क्योंकि हम जाने अनजाने में ये गलतियां कर बैठते हैं जो कि बिल्कुल शुभ नहीं है। आप लोग को रिसेंटली मालूम है कि मेरे घर में क्या हुआ था और सभी चीजें हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, आंखों से देखा है, जो मूवी में देखते थे, जो हम सुनते थे अपने बड़ों से कि ऐसे ना करो, ये ना करो, वैसे ना करो, वो सभी चीजें साक्षात हमारे सामने हुआ है। तो सोचिए कि कितना ये कड़वी सच्चाई है जो हमें बिल्कुल ये गलतियां नहीं करनी। अगर थोड़ा भी आप लोगों को मेरे पे विश्वास होगा तो इन बातों को गांठ बांध कर रख लीजिएगा और ये गलतियां करने से बचिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि वो महत्वपूर्ण गलतियां हम सुहागन महिलाओं को कौन कौन सी गलतियां जो नहीं करनी है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। और सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बता दूं, और आप लोग को मैं बता चुकी फिर भी बता दूं कि यूट्यूब पे एक फैमिली जैसा ऐसा मतलब रिश्ता बन गया है ना मैं किसी को देखी हूँ, ना किसी के बारे में जानती हूँ, ना कभी उनसे मिली हूँ, लेकिन मेरे लिए इतना प्यार, इतना सम्मान आप लोगों के दिल दिमाग में है, मेरे बारे में इतना आप लोग चिंता करते हैं, मेरे हेल्थ के बारे में, मेरे घर परिवार के बारे में, ये सोच कर ना मैं कैसे बताऊं कि मुझे कितना खुशी होती है कि अपना परिवार तो जो है सो तो है ही, लेकिन बाहर वाले देश दुनिया में कहां कहां के लोग हमारा वीडियो मेरा देखते हैं और वो लोग इतना मेरे लिए चिंता दिखाते हैं ना, चिंता जताते हैं, ये तो मेरे दिल को छू जाता है। और मुझसे ज़्यादा खुश नसीब मुझे लगता है इस धरती पे कोई नहीं है जो कि YouTube के जरिए इतनी लोगों के दिल में जगह बना ली हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता, बिलीव नहीं होता कि, और एक एक आप लोगों का कमेंट्स है ना मेरे लिए मतलब दिल को छू लेता है, पढ़ने के बाद जैसे आंसू रुकने का नाम नहीं लेता। तो ये चीजें बुरे समय में भी आप लोगों ने मेरा साथ दिया और मुझे मतलब साहस आप लोगों ने दिया कि दीदी आप घबराइए मत, आप ध्यान रखिए। तो ये सभी बातें ना बस सुन के, पढ़ के, जो कि मैं कभी किसी से मिली नहीं, और सुनकर इतना सुकून मिलता है ना, इतनी शांति मिलती है कि वाह, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो आपको कभी देखे नहीं है, ना आपके बारे में जानते हैं, ना मैं खुद जानती हूँ, और वो लोग इतना आपके लिए चिंतित रहते हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है। और क्या बोल सकती हूँ, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, आप शब्द नहीं है आप लोगों के लिए बोलने के लिए। तो दिल से धन्यवाद। और कभी वीडियो में कमेंट्स वगैरह ना दूं तो जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, माफी मांगती हूँ तो आप लोग कहते हैं दीदी माफी मत मांगिएगा, तो माफी नहीं मांगूंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि फिर नॉर्मल लाइफ जियो, क्योंकि आप लोग को मालूम ही है कि मेरा परिवार अंदर से पूरी तरीके से टूट गया, हंस रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हंसने की, लेकिन फिर भी उस प्रकार से हंसी नहीं आ रही है, लेकिन भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी देखते हैं कब तक क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा नियम है कि देखिए, हर महिलाएं, मैं बता चुकी हूँ फिर भी बता रही हूँ आप लोगों को, कि बिना नहाए भोजन मत बनाइए अपने घर में। छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, जो हो, जितनी भी आप व्यस्त हो, आप कम से कम वस्त्र जरूर बदल दीजिए। बिना नहाए खाना बनाना, भोजन बनाना, मतलब कितना बुरा है मैं कैसे बताऊं, आप लोग कभी मत बनाइएगा। बड़े कहते थे सही बात है, और अभी देखने के बाद लग रहा है कि ना, जीवन में कभी हम बिना नहाए, बिना वस्त्र बदले कभी भोजन अपने घर में नहीं बनाएंगे। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहती हैं, ऐसे तो भगवान की मर्जी है, फिर भी कोशिश करनी है हम बहनों को, हम महिलाओं को, कि हम गलतियां ना करें। ठीक है, बाकी तो भाग्य में जो लिखा है उसको कोई नहीं टाल सकता। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी बिना नहाए आप लोग कि रसोई घर में भोजन वगैरह ना बनाए।
दूसरा नियम क्या है कि जब कभी भी आप स्नान करते हैं तो बहुत लेट स्नान ना करें, दोपहर में आप लोग स्नान ना करें, नहाए ना, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। एक महिला को दोपहर, मान लो किसी, कभी कभार हो जाता है, बहुत सारे काम हमारे घर में हो जाते हैं, साफ सफाई, किसी दिन हम प्लानिंग करते हैं कि चलो आज ये सब कार्य कर लेंगे या बालों में मेहंदी लगा लेंगे या जो कर लेंगे उसके बाद नहाएंगे आराम से, तो कभी कभार चलता है, लेकिन प्रतिदिन कभी आप लोग देर से ना नहाएं, सुबह सुबह ही नहा ले। पूजा पाठ आराम से भले ही कीजिएगा लेकिन नहा लीजिए, जरूर स्नान जरूर कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है, हर सुहागन महिलाएं या हर लड़कियां भी ध्यान रखेंगी, केवल सुहागन महिलाएं नहीं लड़कियां भी ध्यान रख सकती हैं, क्योंकि फूक फूक कर हमें कदम रखनी है, बाकी तो भगवान के हाथ में, और क्या बोल सकती हूँ। तो तीसरा नियम क्या है कि जब कभी भी आप स्नान करने जाते हैं, नहाने जाती हैं, आप मतलब शरीर में छोटा सा भी वस्त्र रखिए, लेकिन जरूर रखिए, क्योंकि आजकल लोग बाथरूम में नहाते हैं, स्नान करते हैं और वस्त्र जो है ना निकाल देते हैं, लेकिन आप लोग जरूर एक छोटा भी वस्त्र अपने शरीर में पहनकर ही नहाए, पूरा वस्त्र हटाकर कभी ना नहाए। हर महिला इस बात का एकदम गांठ बांध कर रखिएगा। मैं मतलब आपसे अब कितना खुल कर बोलूं, तो कभी भी थोड़ा सा भी वस्त्र अपने हाथ में पैर में पहनकर जरूर रखिएगा, लेकिन बिना वस्त्र आप लोग बिल्कुल ना नहाए। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है कि कोई भी श्रृंगार के कार्य आपको एक बार नहीं करने, जो कि लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। सिंदूर लगाना सबसे पहले, या किसी और को भी लगा रहे हैं तो एक बार ना लगाए, भगवान को आप लगा रहे हैं चलिए कोशिश करें कि भगवान को भी दो बार लगा दे, लेकिन एक बार कोई भी अशुभ होता है कोई भी कार्य ना करें। एक बार तेल लगाना, सिंदूर लगाना, पोछा लगाना एक ही पोछा से पूरे घर में, जो कि बता चुकी हूँ फिर भी बता रहा हूँ, श्रृंगार में कोई भी कार्य आप लोग एक बार ना करें श्रृंगार की चीजें। ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है कि बाल धोने के, मतलब सिर धोने के तुरंत बाद महावर नहीं लगानी है। सिंदूर तो लगा ही लेनी है, आपके घर में बिन खाए लगाया जाए तो भी लगा ले, खा कर कुछ लगाया जाता है तो भी लगा ले, लेकिन लगा ले जरूर, लेकिन महावर आप लोग मत लगाइए। कई ऐसी मेरी बहनें कहती हैं दीदी गीला बाल में, नहीं ऐसा कुछ नियम नहीं है, मांग को कभी सूना नहीं रखना है, तुरंत लगा लेनी है, ठीक है, गीला और सूखा के का वेट हमें नहीं करनी है, लेकिन महावर आप गीले शरीर में कभी ना लगाए। समझ में आ गया, महावर और नेल वगैरह ना कटे नहाने के तुरंत बाद, ये भी क्लियर हो गया। अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि कभी भी जैसे कम पानी से ना नहाए, जैसे ना कि चलो थोड़ा सा ही आधा बाल्टी पानी है, थोड़ा सा पानी से ही, जैसे एक लोग होते हैं ना बस अंग पोछ लेना, नहाते नहीं है, नियम कर लेते हैं, वैसा सब नहीं करनी है, बहुत पानी आपको नहीं मिलता है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत अधिक पानी की कमी है, पानी नहीं मिल पाता है, तब आप लोग थोड़ा बहुत पानी से, लेकिन 2-4-10 मग जरूर कर लीजिए, एक मग एक लोटा से कभी ना नहाए। क्लियर हो गया, भरपूर अच्छे से साफ सुथरा होकर नहाइएगा, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कंजूसी से नहाए, वो भी बिल्कुल सही नहीं है। ये भी क्लियर हो गया। अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है, चलिए वो भी जान लेते हैं कि हर सुहागन महिलाएं ध्यान रखेंगी कभी भी कलरफुल ड्रेस पहनिए। मैं तो हमेशा से आप लोग को बोलती हूँ, और मैं अपने घर में जो कलर लगवाई हूँ कलरफुल, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी आप कलरफुल आपको बहुत पसंद है, सही में पसंद है, ब्राइट कलर अच्छा नहीं है कोई भी, और देखिए सबका अपना अपना पसंद है, लेकिन अगर जो ही बहने मेरी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कभी भी ब्राइट कलर आप लोग ना पहने, पूजा पाठ में तो एकदम ना पहने। देखिए कितना भी हमें मॉडर्न हम हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इन बातों का भी हमें ध्यान रखनी है कि लोग ब्राइट कलर मतलब लाइट हल्का कलर कभी ना पहने, कलरफुल पहने, भगवान करे कि पूरे जीवन हम कलरफुल ड्रेस पहने, साड़ी हो सूट हो जो भी हो कलरफुल खरीदिए, ठीक है, मॉडर्न उतना ही होना है जितना हम भारतीय नारी हैं। अगला सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है कि देखिए शादी जब तक नहीं होती है तब तक लोगों को सिंदूर बिंदी पहनने का बहुत शौक होता है, बहुत सारी लड़कियों को, लेकिन शादी होने के बाद सिंदूर बिंदी दिखाना नहीं चाहते हैं। वो चाहती क्या है, हर आदमी नहीं करता, वो चाहती है कि कोई ना जाने कि इनकी शादी हो गई है, शादीशुदा है, इनके बच्चे हैं ना, ये सब चीजें हमें नहीं छुपानी, हम भारतीय नारी हैं, हमारा संस्कार ही है कि पूरा सिंदूर लगानी, ऐसे तो बाल आजकल निकलने लग रहा है, तो भी कोशिश कीजिए कि आप लोग भरपूर सिंदूर लगाइए, एक बार नहीं लगानी है सिंदूर लगानी है, छुपा कर नहीं लगानी है सिंदूर, भगवान करे कि पूरे जन्म पूरे जीवन हम लगाएं,
और कभी भी मतलब मैं तो हमेशा समझाती हूँ, बोलना नहीं चाहती हूँ, तो सिंदूर आप लोग जरूर लगाएगा। ऐसा नहीं कि बस बाल बना लिए सिंदूर नहीं लगा रहे हैं, दो चार बार लगाएं या ना लगाएं, जब मांग निकालते पक्का सिंदूर लगाइए। और छुपा कर लगाने की जरूरत नहीं है, डंके की चोट पर लगाइए कि हाँ हम शादीशुदा हैं, छुपा कर मत लगाइए। बिछुआ, पायल वगैरह, श्रृंगार की जितनी चीजें होती हैं शौक से पहनिए और प्रतिदिन श्रृंगार कीजिए। अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि प्रतिदिन बालों में कंघी कीजिए और प्रतिदिन श्रृंगार कीजिए। ऐसे गंदगी पोत कर मत रहिए, जैसे तैसे पुराना फटा पुराना ऐसा पहनकर ना रहे, प्रतिदिन श्रृंगार हमें करनी है। समझ में आ गया, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है, देखिए ऐसे में बहुत सारे नियम आगे भी बताऊंगी, आप लोग पक्का ध्यान रखिएगा। जो ही मेरे साथ जो ही एक्सपीरियंस की हूँ वो सारे नियम कोशिश करूंगी कि यूट्यूब पे अपनी बहनों के साथ शेयर करूँ। अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि अपने घर में प्रतिदिन पूजा करें, बिना पूजा का कभी मंदिर ना रहने दें। आप रात को आप वर्किंग भी हैं तो क्या हुआ, आप रात को 10 बजे भी आती है तो दीपक जरूर जलाइए अपने घर में, सुबह हो या शाम हो जरूर, धूप बत्ती हो अगरबत्ती जो ही आप जलाते हैं सुबह पक्का जलाइए, और शाम को भी दीपक एक जरूर जलाइए, जो कि हमारे घर के लिए बहुत ही अच्छा है। भगवान करे कि प्रतिदिन हमारे घर में भगवान का नाम लिया जाए, दीपक जलाया जाए, धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाया जाए, लेकिन जलाया जाए जरूर, बिना पूजा का ना रहे हमारा घर, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, कितना भी बिजी लाइफ शेड्यूल है आपका, बिजी लाइफ है, फिर भी उसी में से हमें कोशिश करनी है। ये शरीर बच कर क्या होगा कि जब हम मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत हमें खूब करनी है, ठीक है, जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। बाकी भगवान पर छोड़ दीजिए, वही जो राम रच के रखे हैं, राम रचि राखा। तो इस बात का आप सारी बहनें मेरी ध्यान रखेंगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।